तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट मैं डाल देता हूं। वहां हर क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करवा के दिया गया है और उसको बहुत अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेक करके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ 3.1 का कुछ मैं रिविजन करवाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसको आप एक बार देख के अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। बट अगर इसमें से हर क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले चलो हम ले लेते हैं इसके अंदर। ओके, ये पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ये वाला। ओके, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर एपी है तो पहले ये फिक्स करना है, अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो हम नंबर ले लेते हैं सबसे पहले, क्या लिखा हुआ है, कितना नंबर दिया हुआ है, एक बार देख ले। 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 ओके गाइस, अब मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले वाले को T1 लेता हूं, T1 इक्वल टू 2 एंड T2 इक्वल टू 4 एंड T3 इक्वल टू 6 एंड T4 इक्वल टू 8। अब गाइस मैं क्या करूंगा, सेकंड को फर्स्ट से माइनस, 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2, देन इसके उसके पीछे हाँ थर्ड वाले को सेकंड 6 - 4 कितना आ गया, 2। फिर इसके बाद फोर्थ वाले को उसके पहले वाले के साथ 4 - 3 8 - 6 कितना आ गया, 2। तो गाइस यहां अपने को क्या दिखाई दे रहा है, हियर कॉमन डिफरेंस विच इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, ऐसे एकदम आराम से बहुत सिंपल तरीके से हमने लिख दिया। सब में 2, 2, 2 आया तो हियर द कॉमन इज कॉन्स्टेंट, डी इक्वल टू लिख दो, डी इक्वल टू कितना आ गया, डी इक्वल टू 2 आ गया, एंड देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, अब हम ले लेते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन। एक सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन हम देख लेंगे। 2, 5 by 2, 2, 5 by 2, 3 इसके बाद क्या लिखा है, 7 by 3, 3 and 7 by 3 आई थिंक यहाँ 7 by 3 नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में गड़बड़ है, फिर भी क्योंकि इसमें ही किसी में प्रिंटिंग मिस्टर था, आई थिंक यहाँ 2 होगा, पर चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर T1 2 रहेगा फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म हमारा क्या रहेगा, 5 by 2, एंड थर्ड टर्म हमारा क्या रहेगा, 3, एंड फोर्थ टर्म हमारा क्या है, 7 by 3, पर आई थिंक यहाँ 2 होगा। चलो अभी सॉल्व करेंगे तो हमें पता है चलेगा। अब T2 को T1 के साथ हम माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस, 5 by 2 - 2। अब देखो गाइस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 4 एंड 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। तो अब क्लियर हो गया गाइस, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और यहाँ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ओके कंफर्म, ये कैसे, ये पुराना ही लगता है, पीडीएफ लोगों ने डाला हुआ है इसलिए सही नहीं किया। अब देखो T2 को T1 के साथ किया, अब T3 को T2 के साथ, अब T3 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 माइनस, एंड ये कितना, T2 कितना दिया, 5 by 2। अब फिर से गाइस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6 और 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा और नीचे 2। ओके, ऐसा ही क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ 1 कंसिडर कर लो, 3 2 6 हो गया, 6 में से 5 गया तो 1 बचा और नीचे 2 1 2, तो दूसरा भी आ गया। अब अगला 4 को थर्ड से करना है, कितना है, 7 by 2 - 3। अब गाइस इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 2 6 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये हो गया 1 by 2। तो गाइस सबका 1 by 2 1 by 2 1 by 2 आ गया। फिर से वही सेम लाइन है, हियर कॉमन डिफरेंस, विच इज कॉन्स्टेंट,
इज कॉन्स्टेंट, देयर फॉर द गिवन सीक्वेंस सीक्वेंस इज एन एपी। ओके हो गया। अब अगला और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ और फिर सेवन्थ। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ गाइस? फोर्थ में लिखा 0.3, 0.3, 0.33, 0.0333, 0.3। इसमें मेरे ख्याल से गड़बड़ है, एक बार एक क्वेश्चन में देख लूं। 0.33 बुक में अंदर इसका 0. क्योंकि ये पीडीएफ पुराना है, एक बार मुझे ये क्वेश्चन देख लेने दो, फिर से पूरा सॉल्व करने के बाद गड़बड़ आएगा तो मुझे नहीं आएगा। 0.3, 0.33 और ये देखो ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। जिसके पास ओल्ड बुक होगा ना उसको पता होगा कि ये करेक्शन कर लेना, ये करेक्शन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है 0.333। ओके नए बुक में तो सही करके करेक्ट करके आ गया, पर ये बुक लगता है पुराना है, ये पीडीएफ पुराना ही अपलोड रखा हुआ है। तो पहला T1 0.3, T2 0.33 एंड T3 अपना कितना आ गया 0.333। अब गाइस बस माइनस करेंगे T2 को T1 के साथ, 0.33 माइनस, देखो T2 को T1 के साथ। अब अगर इसको माइनस करते, यहां मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पॉइंट में प्रॉब्लम होता है। ये देखो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो एक जीरो ले लेने का, थ्री थ्री में से थ्री गया जीरो, तो 0.03 इसका आ गया। अब T3 को T2 के साथ, T3 कितना है 0.333 माइनस 0.33। ओके तो चलो अभी इसको भी माइनस कर देंगे, 0.333 के बाद गए 0.33 माइनस 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया 0, तो ये आ गया 0.003। अब गाइस दिखाई दे रहा है, ये देखो पहला वाला डिफरेंस एंड ये वाला डिफरेंस। ओके हियर द कॉमन डिफरेंस व्हिच इज नॉट अ कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। लिख देता हूं मैं, हियर कॉमन डिफरेंस व्हिच इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ओके एकदम सिंपल सा गाइस, बहुत सिंपल सा, कुछ भी इसका डिफिकल्ट जैसा कुछ है ही नहीं गाइस। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देख के बस लग रहा है ये मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया उसको जाके देखोगे तो कर लोगे। अब एक क्वेश्चन यहां से हम कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लगभग वैसा ही है क्वेश्चन। राइट एन एपी हूज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ऑलरेडी दिखा हुआ है कि एपी है तो अपने को बस क्या फाइंड करना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट एन एपी। अच्छा एपी अपने को सीक्वेंस लिख के देना है, उनको सीक्वेंस लिख के देना है। तो क्या क्या लिखा हुआ, पहला फर्स्ट टी पहले लेते हैं, ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू 5। ओके अब गाइस ये जो पहला लिखा रहता है यही अपना फर्स्ट टर्म होता है, हो गया। अब गाइस अगर अपने को सेकंड टर्म फाइंड करना है तो क्या करना है, फर्स्ट वाले में डी को प्लस कर दो, फर्स्ट सेकंड, अगर सेकंड फाइंड करना है तो जो हमारा फर्स्ट वाला उसमें डी प्लस कर दो, टी वन प्लस डी कितना आ गया हमारा, T1 कितना है 10, डी हो गया 5, 10 5 15 हो गया। अब अगर हमें T3 फाइंड करना है तो इसके पहले वाले में D प्लस कर दो,
देखो T3 में किस में प्लस किया, T2 में D, दूसरा सीक्वेंस हमें मिल जाएगा। T2 कितना, 15 प्लस D 5 20 हो गया। अब T4 अगर अपने को दोस्तों फाइंड करना है, T4 फाइंड करना है, T4 कितना है, T4 के लिए T3 में D प्लस कर देंगे, 20 प्लस 5 25। ओके तो गाइस देयरफॉर एपी 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 इज इक्वल डाल के क्या 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 अपने पास आ गया। देखो पहला वाला तो 10 है, 10 दूसरा, देखो पहला वाला 10 जो क्वेश्चन था तो वही पहला दिया ही है, 15 देन इसके बाद 20 देन इसके बाद 25 आगे आगे हो गया खत्म, एकदम सिंपल सा गाइस। इसके अंदर कुछ ना डिफिकल्ट सा नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट सा नहीं है। अगर चाहिए तो चलो मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को फोर्थ वाले में प्रॉब्लम होता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन ए ए इक्वल टू माइनस 1.25 और डी इक्वल टू कितना है, 3। अब गाइस एकदम आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ए ही हमारा फर्स्ट टर्म है, ये -1.25 यही है ना माइनस का। फिर इसके बाद गाइस T2 कैसे निकालते हैं पता है, T1 में D प्लस करो, T1 कितना है -1.25, D कितना है गाइस 3। अब देखो ₹1.25 ऐसा याद रखो, ऐसा इस तरह से याद रखोगे ना, ₹3 मतलब 300 पैसे और ये कितना था 1.25 पैसे, ऐसा याद रखोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। और 300 पैसे में से 1.25 पैसे माइनस करोगे तो आपका बचेगा 175 पैसे, कितना बचेगा 175 पैसे, और दो के बाद डेसिमल है, दो के बाद डेसिमल लगा दो, हो गया काम खत्म, एकदम आराम से कर लोगे, समझ में आया। तो इस तरह से करना, ये तो मेरा ट्रिक है, फिगर नंबर को प्लस का साइन इसमें लगा दिया। अब T3 1.75 आया, वो लिख देता हूँ, T3 किस तरह से फाइंड करेंगे, T2 में D प्लस कर देंगे, T2 दोस्तों अपना आ गया 1.75 और D कितना है 3, ये देखो ये तो आराम हो गया, 3 3 और ये 1 4 हो गया, 4.75 हो गया। देयरफॉर AP आगे अगर और अगर एक और आपको निकालना तो चलो एक और निकाल देते हैं, T4 में T3 प्लस D, T3 कितना है 4.75 प्लस D कितना है 3, तो 4 और 3 7, 7.75। Therefore AP is क्या क्या हमारा है, पहला -1.25 जो दिया हुआ है, दूसरा 1.75, तो इसके बाद तीसरा 4.75, ओके देन इसके बाद 7.75। ये हो गया, बहुत आसानी से हमने कर दिया, इतना कोई डेंजरस था ही नहीं गाइस, पता नहीं बच्चे क्यों इससे डरते हैं, मुझे भी नहीं पता है, पर चीजें बहुत सिंपल है। चलो अब अगला, ये क्वेश्चन तो मेरे दोस्त बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जैसा अभी हमने किया था, बस आगे पीछे वाले को चलो एक कर देता हूँ मैं, और मैंने पूरा हर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। ओके तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है दोस्तों, इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट कर देते हैं, थर्ड का फर्स्ट बस मुझे बताना इसमें क्या है, वैसे तो सेम ही वैसे ही है, 5 1 -3 7 -3 -7। ओके तो चलो पहला टर्म 5 है, और अपने को और क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी, बस क्या करो उसके पहले का माइनस कर दो, लिख दिया मैंने डायरेक्ट 5। देखो ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो 1 में से 5 माइनस प्लस माइनस माइनस और बिगर नंबर को माइनस का साइन, तो -4 आ गया, हो गया डिफरेंस में निकल गया, सब चीजें गाइस कंप्लीट हो गई बहुत अच्छी तरीके से। और इस तरह से क्या कर सकते हो आप, पूरे एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद मैं लेके आऊंगा 3.2, और मैं चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, सबको मतलब सबको ज्वाइन करके रख लो, और जो ऐप है उसको डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि जो भी नोट्स हमें भेजना है वहां आपको भेज दिया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।